Very warm greetings to all. Let's start with the LibreCAD tutorial 4. So in the previous tutorial we have seen general details of few things what we can do in this FreeCAD. Now I will add some details, more details to this part design workbench. So हम लोगों ने पहले देख लिया कि हम कैसे part design में जा रहे थे, फिर part design workbench choose करने के बाद जो है हम we had made the hexagon से हमने 3D बनाया, फिर हमने उसके base को attach किया. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. अब इसमें और फर्दर टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये सब देखते हैं. से फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे हमने देखा है कि यूजुअली जो हमारा बोल्ट का हेड होता है उस पर यहाँ पर एक कर्व्स होते हैं हमारे, तो वो कर्व्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं उसको अब हम देखते हैं. तो उसको बनाने के लिए मुझे इसमें प्लेन सिलेक्शन का एक काफ़ी रहता है, क्योंकि 3D व्यू है, तो इसमें कौन से प्लेन पे हम कौन सा स्केच बनाएंगे और उस स्केच को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो इसमें प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम प्लेन्स बनाते हैं, कौन से प्लेन में काम करना है हमको. तो बेसिकली से फॉर एग्जांपल मैं कोई पहले क्या करता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ. तो अभी राइट नाउ मैं आइसोमेट्रिक व्यू मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं एक स्केच लेता हूँ सबसे पहले. तो मैंने मान लीजिए एक यहाँ बॉडी पे रख के एक स्केच ले लिया. तो अभी स्केच ऑप्शन में देखिए मेरे पास प्लेन बन गए. तो मैं किस प्लेन में स्केच बनाना चाहता हूँ पहले मेरे को ये समझना होगा. तो अभी मैं एक स्केच बनाता हूँ, जब मैं पूरा बना लूँगा, पूरा आउटपुट आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि मैंने ये प्लेन क्यों लिया था. तो मैं यहाँ पर ये वाई जेड प्लेन ले लेता हूँ एक. तो वाई जेड प्लेन मैंने लिया जो कि इसके सेंटर से यहाँ से पास होता हुआ जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेंट्रल पॉइंट से बनाया था. तो ये वाई जेड प्लेन मैंने यहाँ से क्लिक करके ओके कर दिया. मैं लेफ़्ट क्लिक करके मैंने यहाँ इसको ओके कर दिया यहाँ पे. नाउ अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये प्लेन यहाँ पे पूरा ये बन गया. तो अब मुझे यहाँ पर एक मैं इसमें ग्रूव कट करूँगा एक्चुअली. तो वो ग्रूव कट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँगा मैं, जो कि चैम्फर के साइज़ का होगा. तो चैम्फर का साइज़ कैसे रखना है ये डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन डाटा पे, कि हमने जो डिज़ाइन डाटा, इफ़ यू रिमेंबर, हम इसको अगर हम बनाते हैं बोल्ट्स को, तो इसका एक डिज़ाइन डाटा होता है कि अगर आपने कितना डायमीटर ऑफ बोल्ट रखा है उसके हिसाब से आपका चैम्फर का 1.5D का आपका सेंट्रल यहाँ पे कट आर्क बनता है. तो 1.5D का जो है अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो वो मेरा 15 यूनिट्स की लाइन बन जाएगी. 15 यूनिट की लाइन से अगर मैं सर्कल बनाऊँगा यहाँ पे, मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. तो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक लाइन लिया जिसे मैं अंदाजे से बना रहा हूँ. दो मैं इसके पॉइंट्स भी ले सकता हूँ, मैं आपको भी बताऊँगा कि इस पर पॉइंट्स कैसे डाले जाते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ली और इस लाइन को मैंने 15 यूनिट लेंथ का बनाना है. तो मैंने यहाँ से इसको एक 15 यूनिट लेंथ का बना लिया. ये मैंने ऑलमोस्ट इसे 15 यूनिट लेंथ का बना लिया. तो मैं इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ. अभी ये इंक्लाइंड लाइन है पूरी है, मैं इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ. तो मैं इसको स्ट्रेट करने के लिए यहाँ से ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट लूँगा. वर्टिकल कंस्ट्रेंट लेके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. अभी आपको वो लाइन दिख नहीं रही है, तो मैं यहाँ काफ़ी कुछ कर सकता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड मेरे को दिखाई भी दे. मैं इसका वायर फ्रेम स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ और या फिर मैं इसकी विजिबिलिटी पे भी काम करता हूँ. तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा. पहले मैं इसका से विजिबिलिटी पे मुझे इसके काम करना है. तो मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ. राइट क्लिक ये दूसरा तरीका है इसकी विजिबिलिटी को एडजस्ट करने का. इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ये मेरे पास ये पीछे की आपको एक लाइन दिख गई होगी. तो ये 15 यूनिट्स की मैंने लाइन बना ली है. यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ. तो मैंने यहाँ से एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर मैंने ये रखा और यहाँ से इस सेंटर तक मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया. तो अब मैं अगर इसकी विजिबिलिटी ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये यहाँ से कट होते हुए जा रही है और ये इसको कहीं कट कर रही है. तो वो अब मेरे को देखना है वो कहाँ कट कर रही है, कैसे कर रही है. तो वो भी हम कर सकते हैं, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल. उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉडी में जाते हैं. बॉडी में यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले दिया हुआ है, तो डिस्प्ले में फ्लैट लाइंस दी हुई हैं. फ्लैट लाइंस को मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ. जैसे मैं वायर फ्रेम करूँगा आप देखेंगे ये लाइंस मेरी यहाँ पर आ जाती हैं. तो अब मैं यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि वही डिस्टेंस मेरे को यहाँ से यहाँ तक भी मिल जाएगा. तो ये डिस्टेंस मैं मेजर कर सकता हूँ. इसके लिए मेरे पास एक टूल होता है डिस्टेंस मेजर करने का. तो अगर मैं इसको क्लिक करके बाहर आता हूँ तो मैं इसमें जो है स्केच लेता हूँ. मैंने स्केच ऑप्शन लिया. तो अब इस स्केच ऑप्शन में मैं ये चीज़ मेरे पास आ गई है. यहाँ से यहाँ मेरे पास कितना डिस्टेंस है ये भी मैं मेजर कर सकता हूँ डिस्टेंस टूल यूज़ करके. तो ये सारे फीचर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं. तो से फॉर एग्जांपल मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ. इसको मैंने राइट व्यू दे दिया. तो राइट व्यू दे के आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक, मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ अभी, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस व्यू अगर स्टार्ट करना है तो मेरे को स्केच से बाहर आना होगा. तो मैं स्केच से बाहर आके डिस्टेंस जो है मेजर करने का, इसको मैं क्लिक करता हूँ
और मैं से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एक जनरल डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट तक का एक जनरल डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ जो कि 1.1 के आसपास अप्रॉक्सिमेट आ रहा है। ये मैंने अप्रॉक्सिमेटली लिया है, हम इस पर और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्री फीचर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे बताऊंगा उस पर कैसे पॉइंट्स लेने। तो जैसे मैंने एक अंदाजन डिस्टेंस ले लिया कि ये 1.1 के आसपास कुछ आ रहा है, तो अब मैं इस डिस्टेंस यहाँ पे मेरा ट्री में डिस्टेंस आ जाता है, मैंने डिस्टेंस देख लिया, आई डोंट वांट दैट डिस्टेंस टू बी देयर, तो मैंने इसको वहाँ से डिलीट कर दिया। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस का मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूँगा। तो मैं अब दोबारा से स्केच को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, स्केच के ऊपर मैंने दो बार लेफ्ट क्लिक किया है, तो उससे ये मेरा दोबारा से मैं स्केच मोड में आ गया हूँ, जो पहले स्केच बना रहा था वही स्केच मेरे पास सामने ये आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाता हूँ, तो उस ट्रायंगल को बनाने के लिए मुझे एक यहाँ पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो वो पॉइंट हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री बनाने के लिए काम आता है, जो कि मेन 3D से एक हमें आउटपुट दे देता है, उसका एक लाइन में कन्वर्शन दे देता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये पीछे 3D बना हुआ है, तो मैंने जैसे इस लाइन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए एक मैजेंटा कलर की एक लाइन बन गई है, और यहाँ पर एक पॉइंट जनरेट हो गया है इसके कॉर्नर पर। तो यही पॉइंट हमें चाहिए होता है कोई रेफरेंस के लिए, तो हमने अब यहाँ से एक लाइन टूल बार मैंने यहाँ से लिया, और इस लाइन टूल बार से इस पॉइंट को क्लिक करके, तो जैसे ये येलो होता है इसको क्लिक करके मैंने यहाँ से एक लाइन नीचे बना ली, जो कि मैंने अराउंड 1.1 मेरा आया था, तो मैंने 1.3 के आसपास मैं भले मान लीजिए इसको ले लेता हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वर्टिकली पहले अलाइन कर देता हूँ, ये मैंने इसको वर्टिकल कंस्ट्रेंट दे दिया। सिमिलरली मैं एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, और उसको भी मैं इस येलो पॉइंट को क्लिक करके, इसमें कई बार गैप भी आता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या चीज़ें होती हैं गैप की। एक मैंने यहाँ पर 1.5 का या 1.4 का, वो मैं कैसे इसको इक्वल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लेता हूँ, ये इसको हॉरिजॉन्टल कर देगा अपने आप लाइन को, तो इसने इसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन की लेंथ इक्वल हो, क्योंकि मेरे को इक्वल सिमेट्रिक चाहिए, तो मैं यहाँ से एक इक्वल का मेरे को ये दिया, ये पैरेलल का है और ये इक्वल का है, तो मैंने इस इक्वल को लिया और मैंने इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट कर लिया, एक बार इसको कर लिया और एक बार इसको कर लिया, तो अब ये दोनों लाइंस इक्वल हो गई हैं। अब मैं जो भी वैल्यूज दूंगा ये दोनों लाइंस हमेशा इक्वल आएंगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट की शिफ्टिंग ना हो, उसके लिए मैं पॉइंट्स को कंस्ट्रेंट कर दूंगा। तो मैं कंस्ट्रेंट पॉइंट लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को टच करता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स अब कंस्ट्रेंट हो गए, दीज बोथ पॉइंट्स गॉट कंस्ट्रेंट ओवर देयर। और मैं यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है मैं क्लिक करता हूँ, तो दोनों पॉइंट्स की लाइंस जो है वापस में ज्वाइन हो गई है, मिल गए हैं दोनों पॉइंट्स। तो ये मैंने एक कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया है इसका। अब ये दोनों लेंथ मैंने इक्वल की हुई है, तो मैं एक की भी अगर लेंथ चेंज करूँगा तो दूसरे की अपने आप लेंथ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जो है कोई भी एक डायमेंशन लेके, मैं यहाँ से डायमेंशन कंस्ट्रेंट लेके इसको एक लेंथ दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी लेंथ देना चाहता हूँ, मैंने 1.3 के आसपास इसको से फॉर एग्जांपल अभी दे दिया है, तो 1.3 के आसपास मैं इसको यहाँ पर ये लेंथ दे देता हूँ, तो मेरी 1.3 लेंथ बन गई, ये भी 1.3 ऑटोमेटिकली हो गई है। अब मैं एक लाइन लेके, आई विल टेक वन लाइन, और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को, यहाँ पे मैंने ये दो पॉइंट्स, जैसे ये येलो होगा इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भी अगर जूम करके देखूं तो मुझे दिख जाएगा कि इन पॉइंट्स के बीच में कोई गैप तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूरी है, नहीं तो ये हमें एरर दे देता है कई बार कि जो आपका स्केच है वो पूरा फिट नहीं है। देखिए इसमें गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में एक गैप है, तो हम इस गैप को कैसे कर सकते हैं, हम ये कंस्ट्रेंट लेंगे, पॉइंट कंस्ट्रेंट, और इससे मैं जो है इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट्स पे कंस्ट्रेंट कर दूंगा, तो ये मेरे यहाँ पर कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने जैसे इसको कंस्ट्रेंट किया, मैं ऊपर के भी ये देख लेता हूँ कहीं इसमें कोई शिफ्टिंग ना हुई हो, तो ये थोड़ा सा ड्राइंग के टाइम पे हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको जूम करके देख ले रहा हूँ, तो ये इट इज़ फाइन, ये ठीक है अपनी जगह। तो अब मैं इस फिगर को एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो मेरा ये फिगर बना है ये पूरा एक मेरा प्रॉपर यहाँ पर बन गया है। तो अब मैं इसको जो है स्केच से बाहर आता हूँ, तो मेरे को स्केच से बाहर आने वक्त ये जो मैंने एक्स्ट्रा स्केचेस बनाए हुए थे, मैं चाहता तो इनको कंस्ट्रक्शन लाइन लेके भी इसका मैं कुछ कर सकता था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम एक ऐसी लाइन भी बना सकते हैं जो कि ड्राइंग को इफेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ आपको हेल्प करती है डायमेंशंस फाइंड करने के लिए। तो ये एक हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं स्केच को क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है
ये हमारा एक स्केच यहाँ बन गया है। मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेके गो टू द आइसोमेट्रिक व्यू ओवर हियर। तो ये हमने इसका आइसोमेट्रिक व्यू लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा रिवॉल्व करना है, मुझे पूरा घुमाना है, और इस पोर्शन में से जो जो मेरा ये हेड है इसमें से उसको माइनस भी कर देना है, कट भी कर देना। तो इसके लिए हमारे साथ दोनों करने के लिए एक ये टूल होता है हमारे पास ग्रूव का। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो मुझे स्केच, मैंने ये ऑलरेडी लिया हुआ है तो स्केच को इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पहले हमने ये ध्यान रखना है कि हमने पहले उस स्केच को ज़रूर सेलेक्ट करना है जिससे मैंने ग्रूव करना है। तो इस स्केच को मैं ज़रूर सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से ग्रूव को ऑप्शन लूँगा। तो ये ग्रूव मैंने एक ऑप्शन यहाँ से ले लिया है। तो अब ये मेरे को इसके लिए एक्सेस पूछेगा, किस एक्सेस से मुझे करना है। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसने वर्टिकल स्केच एक्सेस ले लिया है यहाँ पर। इसके रिस्पेक्ट में मुझे इसको 360 डिग्री पे घुमाना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये कट हो गया है, यहाँ से आपको कट दिख रहा होगा, ये कट होता हुआ पूरा। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ये पूरा कट हो गया है, मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब ये जो है मेरा यहाँ पर जो है ये पूरा कट हो गया। मैं इसको जो मेरा ग्रूव है बॉडी जो है इसको मैंने वायर फ्रेम किया हुआ है, तो मैं वायर फ्रेम से इसको जो है इसको फ्लैट लाइंस पे ले आता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये आपका जो कर्व है यहाँ पे पूरा कट होगा। सो लाइक दिस वी कैन ऐड मोर फीचर्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखते हैं कि हमने ये फीचर कैसे ऐड किया। मैं जो भी चेंजेस बाद में स्केच में करूँगा, जो मैंने यहाँ ग्रूव में यहाँ पे मेरा जो ये स्केच है, अगर मैं इस पर कुछ भी चेंज करता हूँ ये कट्स भी यहाँ चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ पैरामेट्रिक। मेरे को बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी स्केच की डायमेंशन में चेंज करूंगा वो यहाँ पर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट ओवर देयर। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्केच लिया ये, और इस स्केच में मैंने इस डायमेंशन को अगर चेंज किया, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज दिस डायमेंशन कि मैंने यहाँ पे 1.3 की जगह अगर मैं जो है इस 1.3 को मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डबल क्लिक किया 1.3 को, तो मैंने यहां अगर 1.3 की जगह मैंने 1.5 कर दिया, तो इफ आई डू इट 1.5 तो यहां पे जो चेंजेस होंगे वही चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके 3D फिगर में भी हो जाएंगे। तो आपको दोबारा ग्रूव कट ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वही चेंजेस आपको यहां पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा और क्लोज आ गया है। जैसे जैसे मैं उसकी डायमेंशन और चेंज कर दूंगा ये और चेंज होता जाएगा। तो लाइक दिस वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द मेन फिगर जस्ट बाय चेंजिंग द वन डायमेंशन इन द स्केच। तो ये हमारा पैरामेट्रिक कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। तो दिस इज वेरी गुड ओवर देयर। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल ब्रिंग मोर फीचर्स। इसकी थ्रेडिंग्स कैसे करनी है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। इससे बेसिकली हमने इसको एक एग्जाम्पल लेके काफी सारे टूल्स हम यहीं सीख लेंगे इसी में कि एक कैसे हम 3D ड्रॉइंग्स में फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, होप यू हैव लर्नड अ लॉट ओवर हियर। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। See you soon in the next tutorial.